चरखी दादरी निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने पर इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक विधायक से सरकार नहीं गिरती, सरकार ऐसी ही चलती रहेगी। दिग्विजय ने कहा कि इससे सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी, यह सरकार मजबूत है जो कि 5 साल तक चलेगी। बता दें कि कुंडू ने सरकार से समर्थन वापस का ऐलान किया था, जिसके बाद से हरियाणा की राजनीति गर्मा गई थी। दरअसल इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला चरखी दादरी में पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह के भतीजे का देहांत होने पर उनके निवास स्थान पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे। लोगों से पता चल रही है ये बहुत अच्छा बजट पेश आज मोहन लाल ने किया है। मैं सबसे पहले मेरी पार्टी की तरफ से हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। इतना प्रोमिसिंग और इतना सकारात्मक बजट हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए रखा है। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे कमेरा वर्ग हो, हर वर्ग को साथ लेकर के चलने की बात और विशेष तौर पर ग्रामीण विधायक के समर्थन वापस लेने से इस सरकार को कोई आंच नहीं आएगी। सरकार मजबूत है और सरकार 5 साल चलेगी, बड़े विश्वास है। अच्छा प्रस्तुत किया उसके बारे में, ऐप से हुआ ही अच्छी बात है। ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कैसे जमाना बदल रहा है और ये बदलते हुए जमाने में राजनीतिक लोग भी, चाहे उनकी आयु कुछ भी क्यों ना हो, वो भी अपने आप को समय के साथ बदलकर इस डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं। हरियाणा तो वैसे भी एक डिजिटल क्रांति के लिए शुरू से मशहूर रहा है। आपने देखा कैसे साइबर सिटी गुड़गावा में डिजिटलाइजेशन जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ज़माने में शुरुआत हुई और आज ये सरकार भी उस डिजिटलाइजेशन को विधानसभा तक लेके जा रही है, इसमें बड़ा खुश। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी प्रकार के अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहें यस टीवी के साथ।